भाई लोग, थ्री डेविल्स ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम आए लाल किला, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं, और अभी इसके अंदर जाएंगे और अंदर जाके देखते हैं ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, और बाकी की बातें आपको हमारे भाई बताएंगे। बाकी हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ के टिकट कितने की हैं और कितने टाइप्स की है। मतलब आपको हमने सुना है यहाँ पे दो टिकट्स हैं, जैसे 50 और 80 रुपीज़ की है। तो हम बताते हैं कि वीडियो में आप बने रहें, टिकट्स में क्या क्या है आपको मिलेगा यहाँ पर देखने के लिए। तो गाइस, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये है लाल किला, और 15 अगस्त वाले दिन मोदी जी ने यहाँ से झंडा फहराया था, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। और अब इसके अंदर जाएंगे और देखते हैं ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। बहुत ही अच्छी डेकोरेशन कर रखी है दोस्तों यहाँ पे, बहुत अच्छी है। अभी हम लाल किले के फ्रंट पे खड़े हैं, अब हम जा रहे हैं टिकट लेने के लिए। तो गाइस, अब हम जा रहे हैं टिकट लेने के लिए, और अभी दिखाते हैं आपको टिकट काउंटर कहाँ है। तो भाइयों, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये है टिकट काउंटर, और अब जा रहे हैं हम टिकट लेने के लिए। तो दोस्तों, ये देख सकते हो सामने जो ऊपर है, वो है टिकट प्राइस इंडियंस के लिए। जो 50 रुपीज़ के आपको नॉर्मल मॉन्यूमेंट दिखाएंगे रेड फोर्ट का, और 80 रुपीज़ में आपको म्यूज़ियम भी इंक्लूड हो जाएगा। और नीचे वाला देख सकते हो, फॉरनर टिकट प्राइजेस हैं 600 और 950। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ से एंट्री है, और अब हम अंदर जा रहे हैं, और अंदर जाने के बाद आपको दिखाते हैं। तो भाइयों, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये है तोप का गोला, और जिसकी नोक पे देख रहे हैं, आशीष भाई को बैठा के फोड़ने की कोशिश करेंगे अब। गाइस, जैसे कि आप ये एंट्री करोगे, और आपको यहाँ पे सामान मिल जाएंगे, जो भी चीज़ आप लेना चाहो। जैसे कि अभी देख सकते हो, एक से एक चीज़ें हैं। ये देखो गाइस, जैसे कि एक दुकान यहाँ पे है, ये और ये भी है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए। और ऊपर देखो, कुछ इस तरीके का है ये। ये देखो गाइस, यहाँ पूरे में आपको मार्केट लगेगी, आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ से। ये देखो, यहाँ पे मोस्टली ज़्यादातर यहाँ पे लड़कियों को सामान ज़्यादा मिलता है, बैंगल्स वगैरह और शॉल्स वगैरह। ये आप इधर की साइड भी देख सकते हो, और यहाँ पे कैप्स भी हैं लड़कों के लिए अवेलेबल इधर। और गाइस, ये देख सकते हो, ये क्राफ्टिंग है सारा, ये बैग्स वगैरह, ये क्राफ्ट बना रखा है इन्होंने। और बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे बैंगल्स भी हैं, और बैग्स हैं, लेडीज़ बैग्स हैं। और यहाँ पे देख सकते हो आप, चावल के दानों पर नाम लिख के दिया जाएगा आपका। यहाँ बहुत सारी शॉप्स हैं, अगर आप यहाँ पर आओ तो आप ये मत समझना खाली आप लाल किला देखने के लिए आ रहे हो, आप यहाँ पे आके शॉपिंग भी कर सकते हैं। और स्पेशली लड़कियों के लिए तो बहुत सारे आइटम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और जैसे आप यहाँ पे स्टैचूज देख सकते हो, पुराने टाइम के, ओल्ड के, ये मूर्तियाँ भी यहाँ मिलती हैं सारी। ये हम लोगों ने म्यूजियम में एंटर कर लिए हैं, अंदर आ चुके हैं हम। तो जैसे कि आपका यहाँ पर सीना चौड़ा हो जाएगा, आप देख सकते हो, सारी हमारे इतिहास के ऊपर है सारी, कैसे भगत सिंह फांसी पे लटके थे, उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया, गांधी जी ने क्या किया, सब दिखा रखा है यहाँ पे। आप ये देख सकते हो, सब ये वॉच पे लिखा गया है, वंदे मातरम। और ये पीछे आप एयर
रियासत भी देख सकते हो, अलवर की रियासत है ये। मतलब कहने का मतलब ये है कि गाइस यहाँ पे अगर आप लोग आओगे ना तो आपको अपने इतिहास से लेकर सब कुछ यहाँ देखने को मिलेगा। जैसे कि पीछे वॉल पे भी देख सकते हो आज़ादी के बारे में, 15 अगस्त का देख सकते हैं। आप कभी आओ तो आराम से अच्छे से आगे फुर्सत से आगे देख सकते हो और पढ़ भी सकते हो। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, उसमें गांधी जी की भी फोटो है। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन था। और दोस्तों एक ये रूम भी है जहाँ पे लिखा गया है श्रद्धांजलि। अंदर चलते हैं, हम अंदर चल के देखते हैं अंदर। ये रूम है श्रद्धांजलि रूम। यहाँ पे आप खड़े होके आप जिन्होंने अपनी देश के लिए कुर्बानी दी थी उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं, खड़े होके उनकी याद में रो सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद। आप आओगे यहाँ पे आपका छाती गर्व से चौड़ी हो जाएगी। दोस्तों ये देखो बैजेस एंड मेडल्स ऑफ INA, और इधर आप देख सकते हो ये बैजेस थे और ये मेडल्स थे INA के, ठीक है। और इधर की साइड आप देखो ये जापानीज करेंसी नोट्स सर्कुलेटेड इन मणिपुर ड्यूरिंग INA मार्च टू दिल्ली 1944। और ये देखिए ये 100 रुपीज़ और ये 10 सेंट्स जापानीज गवर्नमेंट की तरफ से। और ये देखिए शोल्डर इंसिनियस ऑफ INA मेजर एंड कैप्टन। दोस्तों एक बड़ी कमाल की चीज देखिए नेताजी की कुर्सी, ये देखिए यहाँ मेरा रहे तो आपको ढंग से नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन ये देखिए ये नेताजी की कुर्सी थी। और ये हमारे सुभाष चंद्र जी का स्लोगन, ये रहे हमारे नेताजी। भाई एक चीज दिखाता हूँ, देखिए बोस फैमिली, ये है सुभाष चंद्र जी का परिवार पूरा। ये देखिए जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो सारा सुभाष चंद्र जी का परिवार है। तो भाई देखिए ये जो अंदर ये वाला जो म्यूजियम एरिया बना रखा है इन्होंने, ये बेसिकली पूरा ही पूरा सुभाष चंद्र जी के ऊपर बेस्ड है। ये देखिए उनके बचपन की जवानी की फ़ोटो, और ये उनका स्कूल जहाँ वो पढ़ाई करते थे। और इधर आप पढ़ सकते हो बर्थ ऑफ आर नेशनलिस्ट। और देखिए सुभाष चंद्र जी और उनके पिताजी, अगर आप अच्छे से जूम करके देखेंगे तो उनका नाम भी है साथ में, सुभाष जी फादर जनकीनाथ। और ये देखिए सामने दोस्तों इंडिपेंडेंस डे अरेस्ट, उसमें अगर आप फोटो को अच्छे से देखोगे इनमें गांधी वगैरह साहब हैं इसमें। भाई ये देखिए ये है दीवाने आम, आप वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हो शाहजहाँ के बारे में इसमें लिखा गया है। और इधर की साइड देखिए ये है आपका दीवाने आम, अंदर जाते हैं हम आपको दिखाते हैं अंदर। अब शुभ आशीष मांगे काहे तब भारत भाग्य विधा।
जय हे, जय हे, जय 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 हे। और ये देखिए गाइस, ये है दीवाने आम की बैठक, जहाँ पे शाहजहाँ वगैरह बैठा करते थे। इधर भैया देखिए, ये जो है जैसे कि यहाँ लिखा है रंग महल मुमताज महल, तो आप सामने की तरफ देख सकते हो ये है रंग महल, और इसको कहा भी जाता है मुमताज महल, जब मुमताज रहा करती थी इधर। दोस्तों देखिए, हमारे राइट हैंड साइड पे है दीवाने खास, और बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए आप एक बार, जब आप अभी तो आप खाली वीडियो में देख रहे हैं, और जब आप यहाँ पे रियल लाइफ में इधर आओगे तब पता लगेगा ये कितना शानदार बना रखा है। ये देखिए मोती मस्जिद, जैसे कि आप हमारे सामने देख सकते हो, ये है मोती मस्जिद, और वो सामने देखिए कितने थकार के बैठे हुए हैं, जैसे कितने ही उन्होंने मेहनत करी हो यहाँ पे। तो फाइनल गाइस, हमारा ब्लॉग शूट कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लाल किले में ब्लॉग इसलिए बनाने आते हैं, हमारा एक ही मौके पर गाइस, शॉपिंग मॉल तो बहुत जाते हैं, शॉपिंग बहुत लोग करते हैं, कभी आओ लाल किले में, अपने इतिहास को जानो, और अपने अतीत के इतिहास को देख के आपकी छाती गर्व से चौड़ी हो जाएगी। बाकी हमारे भाई से पूछते हैं, भाई कैसा मज़ा आया? और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया अंदर, मतलब एक से एक चीज़ें देखने के लिए थी। जब आप लोग आओगे तो आपको इतिहास के बारे में पता चलेगा कि हमें किस तरीके से आज़ादी मिली, तो हर एक चीज़ है हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनके लिए। देखने के बाद अंदर कैसा लगा? अब मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है, जिसे कहते हैं एकदम मज़ा आया। तो दोस्तों आप भी आओ शॉपिंग मॉल्स वगैरह टाइम अवॉइड करो, कभी आओ लाल किले को, तुम यहाँ आओ, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जानो, छाती गर्व से चौड़ी हो जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम।